वर्ष से नंदिनी कुमारी सिंह जो तकिया के रहने वाली हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहला बताइए आपका क्या नाम है? नंदिनी नाम है। किस मजबूरी, क्या मजबूरी हुई आपकी कि आप ये रिक्शा चलाने के मजबूर हो गई? अभी आपका पढ़ने लिखने का उम्र है, इस तरह आप रिक्शा चला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है बताइए? पापा लोग लोन में हमारे पापा रिक्शा चला रहे थे, प्रशासन मार रहे थे। तो मतलब आपके पापा पहले रिक्शा चलाते थे, अब पापा कहाँ पर है? पापा यहाँ पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसके वजह से पापा को काम नहीं मिलता होगा लॉकडाउन की वजह से। तो इसके बाद आपने खुद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया? हाँ, पापा का कुछ काम नहीं मिला तो रिक्शा चलाने के लिए चला रहे हैं। रिक्शा चला रहे थे। आपके परिवार में कौन कौन है बता सकती हैं? परिवार हमारा मम्मी है, भाई है, पापा है, बस हम। यानी पूरा भरा परिवार है, जिसकी वजह से नंदिनी कुमारी जो है तब पैसे की तंगी से मजबूर होकर दो की रोटी जुटाने के लिए खुद ही रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गए। आइए इनसे और कुछ बात करेंगे और देखेंगे किस तरह ये रिक्शा चलाती हैं। और आपने सीखा कहाँ से रिक्शा चलाना, ये पहले बताइए। हम जा रहे थे पेपर बेचने, वही सकते थे। और पहले आप कहाँ पर काम करती थी, पहले कुछ काम? मजदूरी करती, पोछा झाड़ू करती हूँ। अच्छा, तो मजदूरी करती थी पहले नंदिनी कुमारी, फिर उसके बाद जब लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा था तो वो फिर से रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दी, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई इनको अपने घर में आने नहीं दे रहा था। ये घर में दूसरों का काम करती है, जिसके बाद घर में काम करना भी मिलना बंद हो गया और इसके बाद ये रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गए। क्या इसका कारण था बताएंगी? हाँ, हमारा पति रिक्शा चला रहे थे, हमारा पति रिक्शा चलाने गए, प्रशासन मारने लगे, हमारा पति डर के मारे नहीं गए। उसके बाद हम लोग घर में भूकंप आ गया, खाना पीना नहीं मिल रहा था, चावल वावल कुछ नहीं। उसके बाद हमारी लड़की रिक्शा चलाने लगी घर चलाने के लिए, माने घर में रोटी खाने की कमी की वजह से दो वक्त रोटी जुटाने के लिए ही नंदिनी रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हो गई। हाँ, है ना? हाँ, दो वक्त का रोटी जुटाने के लिए हमारा नंदिनी मजबूर है, तैयार हो गई रिक्शा चलाने के लिए। कमाती है तो लेकर आती है, अगर राशन पता है तो बनाते हैं, तो बाल बच्चा को सबको खिलाते हैं। धन्यवाद।